हमारे ससुर जी है ना, उनको ब्रेन हेमरेज हुआ है। ओ। तो अभी आईसीयू में है, 7 डेज हो गए। अभी ठीक होने के बाद अभी अभी कुछ समझ पा रहे हैं, बात कर लेते हैं? नहीं, आपके जो ससुर साहब को जिनको पैरालिसिस हुआ है वो समझ पा रहे हैं, बात कर लेते हैं? नहीं नहीं, बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा हाँ, सेंसेशन थोड़ा सा है। अच्छा, तो हाँ। जैसे ही थोड़ा उनको होश आता है तो उनको अनुलोम विलोम हाँ। कराना शुरू कर दीजिए। कितना ही जबरदस्त पैरालिसिस हुआ हो, ये तो मैंने स्वयं जो बहुत नज़दीकी हाँ। जो मुझसे जुड़े हुए लोग थे हरिद्वार के भाई हाँ। अखिलेश से लेकर के हमारे भाई सुधांशु जी से लेकर के कितने लोग तो जो हमसे ही करीब थे, किसी भी कारण से ब्रेन में कोई क्लॉट आ गया या इसको कुछ भी बोलिए, प्रारब्ध दोष बोलिए या कोई शरीर में ध्यान नहीं गया हमारा और दुर्घटना हो गई, बीपी कभी बढ़ गया, कभी क्लॉट आ गया या किसी भी कारण से पैरालिसिस आ गया तो या ब्रेन हेमरेज हो गया, उन लोगों को मैंने ठीक किया है। तो जैसे ये थोड़ा इस परिस्थिति से बाहर आए तो उनको अनुलोम विलोम कराना शुरू कीजिए, और अभी भी हॉस्पिटल में रहते रहते आप उनको मेधावटी दो गोली सुबह शाम दीजिए और अश्वगंधा कैप्सूल एक एक या दो दो अश्वगंधा कैप्सूल और एक एक दो दो मेधावटी आप उनको लगातार दीजिए। उनको रिकवरी बहुत जल्दी हो जाएगी और जैसे थोड़ी रिकवरी शुरू होती है तो आप उनको प्राणायाम कराना शुरू कर दीजिए, 100% वो अच्छे हो जाएंगे, ये हमारा अनुभव है।